हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बड़ा ही आसान करके आज मैं आपको इस वीडियो में सीआरटी कैसे काम करता है वो दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सीआरटी क्या होता है? सीआरटी भैया कैथोड रे ट्यूब होता है, और ये है भैया आपके सामने उसका एक सिंपल सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सारी काम की बातें जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, इसके वर्किंग को दिखाने वाला हूँ विजुअली कि किस तरीके से आपका सीआरटी कैथोड रे ट्यूब काम करता है। तो शुरुआत भैया करते हैं यहीं से कि यहाँ पे आप देख रहे हो भैया शुरुआत में कुछ कनेक्टर पिन्स हैं। कनेक्टर पिन्स के आगे ये वाला जो भैया पार्ट है इसे अपन कहते हैं बेस, और बेस के आगे लगी हुई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन। मतलब एक ऐसी गन जिसमें से क्या निकल रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बौछार निकल रही है। अब यहां पे जब इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स अपने निकलते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन गन से आपके इलेक्ट्रॉन्स की बौछार निकल रही है तब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागते हैं, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, मतलब कुछ इस तरीके से यहां वहां, जैसे बोलते ना अपन अफरा तफरी मच जाती भीड़ में, तो कुछ इस तरीके से जो है हर डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन भागने की जो है कोशिश करते हैं। तो उसके लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगला एलिमेंट, अगला सिस्टम अपन ने लगा के रखा है जिसका नाम है फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम जैसा नाम है भाई साहब का वैसा ही उसका भी काम है। मतलब क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की बौछार निकल रही है उनको इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करवाने के लिए फोकसिंग सिस्टम बना है, बराबर है। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दे शुड ओनली फॉलो दिस पाथ, दे शुड ओनली गेट पास थ्रू दिस रीजन, नॉट हेयर एंड देयर, नो, जस्ट यहीं से बढ़ो भैया आगे, जस्ट यहीं पे फोकस्ड रहो। फोकसिंग सिस्टम जैसा नाम वैसे ही काम, सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसी रीजन में वो फोकस रखता है, इसी रिस्पेक्टिव पाथ को फॉलो करना पड़ता है आपके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोकसिंग सिस्टम। तो यहां तक तो वो चलते हैं भैया, सारे इलेक्ट्रॉन जो है आप पे चलेंगे इस पाथ पे चलेंगे, ठीक है। अब उसके आगे क्या, आफ्टर दिस रिस्पेक्टिव फोकसिंग सिस्टम उसके आगे क्या, तो भैया हम लोग ये जो पर्टिकुलर बीम है जिसे अपन इलेक्ट्रॉन बीम भी बोलते हैं, और ये जो अपने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की बौछार हो रही है, जो रेज निकल रहे हैं उसको अपन कैथोड रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अपनी इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वी डोंट हैव टू डायरेक्ट इट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ना, यहां पे बीच में थोड़ी ना हर बार अपन उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको हिट करने को बोलेंगे, बराबर। अपन उसको हिट करने को यहां बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। भैया उस इलेक्ट्रॉन बीम ने यहां पे फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे हिट करना होता है, मतलब जो आपकी ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, ओके, वो एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है। अब ये फॉस्फर कोटेड स्क्रीन का यहाँ पे क्या फायदा है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बट पहले वहां तक अपनी जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचने तो दो। उससे पहले यहाँ पे एक और सिस्टम आता है, क्या है उस सिस्टम का नाम, डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है, मोड़ने का काम करता है, डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, आपके उस इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्ट करने का काम करता है, समझ में आ रही बात। मतलब यहां तक तो वो फोकस कर रहा था कि भैया यहीं पे चलो, कहीं और दूसरी जगह मत भागो, यहीं पे फोकस रहो, इसी रिस्पेक्टिव पाथ को फॉलो करते चलो। फोकसिंग सिस्टम के आगे कौन सा आता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब डिफ्लेक्शन सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, कौन से हैं वो दो पार्ट, पहला पार्ट तो आप यहां पे देख रहे हो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब जब भी आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक बीम को वर्टिकल डिफ्लेक्शन देना है, यानी कि अप और डाउन, ये वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जब भी प्रोवाइड करवाना होता है तो कौन साथ देता है आपका, कौन मदद करता है, यहाँ पे आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो पार्ट है आपके डिफ्लेक्शन सिस्टम का वो आपकी मदद करता है। और फिर दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करते हैं जिसके जरिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, यानी कि लेफ्ट राइट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये है अपना डिफ्लेक्शन सिस्टम। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह बताने के लिए मैं क्या करता हूं, हम लोग ना जरा ऐसे खड़े हो जाते हैं, बराबर है कि, इस व्यू से देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो होता क्या है, होता कैसे है कि जब मैं वहां खड़ा हूं तो लेट्स से भैया अपनी कुछ ऐसी स्क्रीन है, लेट्स कंसिडर कुछ ऐसी स्क्रीन है, बराबर है। अब यहां पे ये डिफ्लेक्शन सिस्टम अपना लगा हुआ है, तो ये वर्टिकल वाला क्या कर रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है कि अप डाउन, बराबर है। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि अपनी जो ये फोकसिंग सिस्टम का मामला था ये क्या कर रहा था कि यहां पे हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेट्स कंसीडर बीच में
सेंटर में हिट करने की कोशिश कर रहा था, अगर यहाँ पे वर्टिकल नहीं होता, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पार्ट नहीं होता, तो वो अप और डाउन नहीं जा पाता, वो हर बार जो है सेंटर में ही रह जाता। यहाँ पे थोड़ी ना अपने को बार 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 जो है उसको हिट करना, उस इलेक्ट्रॉन बीम को ऑन द सेंटर, हर बार थोड़ी ना, अपने को ऊपर भी जाने की जरूरत पड़ सकती, नीचे भी जाने की जरूरत पड़ सकती। तो वो कैसे हम लोग करते हैं, बाय यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव अप एंड डाउन, दैट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन पार्ट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पार्ट मतलब क्या, कि यहाँ पे अपने को लेफ्ट में भी जाना पड़ सकता, राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, बराबर है। तो ये कौन कर रहा है, ये अपना हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पार्ट जो है कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये करते कैसे हैं, बिकॉज यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, बराबर है। अब डायरेक्शन उसको अप देना है, डाउन देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, ये कैसे कर रहे हैं? तो यहां हम लोग क्या करते हैं, एज पर अवर नीड, एज पर व्हाट वी वांट, एज पर वेयर वी वांट टू हिट द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन दैट रिस्पेक्टिव स्क्रीन, हम यहां पे इनका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे बढ़ा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, ये जो मेरी इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है ना, यहां से यहां पे निकले, मुझे इसको यहां पे हिट करवाना है, लेट से मुझे वहां पे हिट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप जाना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर अप जाना पड़ेगा तो मुझे इसका जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहां पे इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देता हूं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, अट्रैक्ट होगा, बराबर, थोड़ा सा ऊपर चले आएगा, अपनी जो वो एक डिफॉल्ट पाथ थी विच वॉज सेट बाय द फोकसिंग सिस्टम, उससे थोड़ा सा वो हट जाएगा और नजदीक चले जाएगा आपके इस रिस्पेक्टिव वर्टिकल डिफ्लेक्शन पार्ट के, और फिर उस हिसाब से वो डायरेक्ट होगा और हिट करेगा एट दिस पर्टिकुलर अपर पॉइंट ऑफ योर फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। अगर आपको डाउन करवाना है तो फिर इसका पोटेंशियल आपको हाई करना पड़ेगा, ओके तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, उसे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे भैया उस इलेक्ट्रॉन बीम ने हिट करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने स्क्रीन पे उसे हिट करना है। तो अभी चलो हिट करने तक का तो मामला समझ में आ गया, हिट करने के बाद क्या होता है, हिट करने के बाद भाई होता आखिर क्या है, तो यहां पे कमाल दिखता है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन का। क्योंकि फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन ये जो बीम है जैसे हिट करती, जिस पॉइंट पे हिट करती है वहां पे उजाला होता है, उजाला होता है मतलब क्या होता है, ग्लो होता है, वो पॉइंट्स आपके ग्लो होते हैं, लाइट अप होते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर वो आपको दिखाई देता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक तरीके से हिट हुआ है, वो पॉइंट आपको एज सामने वाला जो फ्रंट एक तरीके से यूजर है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, वो पॉइंट क्लियरली मेंशन होता है, वो डिफरेंशिएट होता है एज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट्स ऑन योर रिस्पेक्टिव स्क्रीन, और ये जो एक हिट किया है ये अलग दिखता है, ये ग्लो होता है, ये लाइट होता है, ये एक्टिव होता है, और जिससे कि हमें एक विजुअल जो है अपने उस रिस्पेक्टिव स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो सीआरटी का वर्किंग का मामला तो क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया, लेकिन अभी एक और सवाल उठता है कि मान लो मुझे यहाँ पे जो स्क्रीन है अपनी उस पर एक कैरेक्टर कह लो, एक पॉइंट कह लो, डॉट कह लो, ओके, एक लाइन कह लो, उसे डिस्प्ले करवाना है, ओके, उसे एक तरीके से प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, ये बड़ा ही अहम सवाल है। तो उसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तरीके का नाम है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरे का है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इन दोनों को मैं समझाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। तो भैया इस सवाल का जो जवाब है वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलने वाला है। हाल फिलहाल अगर आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।